हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्लीव्स की कटिंग कैसे करते हैं ये देखने वाले हैं। तो उसकी चौड़ाई कैसे निकलती है और इसकी लंबाई कैसे लेनी है, तो ये दोनों भी हम इस वीडियो में हम देखते हैं। तो इसके लिए हमने ये कपड़ा लिया है। कपड़े को हमने डबल फोल्ड किया है इस तरह से। पहले हम स्लीव्स की लंबाई लेंगे। जैसे फोल्ड करके यहाँ पे हमें बंद बाजू लेनी है, अपनी तरफ हमें बंद बाजू लेनी है। तो जितनी आपकी लंबाई होगी, बाजू की जितनी आपकी लंबाई होगी, तो उसमें आप जैसे कि ये 5 इंच लंबाई है तो उसमें आप 1.5 इंच प्लस करो। तो ये फोल्ड करने के लिए, जैसे कि ये बिना अस्तर वाला ब्लाउज़ है इसलिए ये फोल्ड करने के लिए 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना पड़ता है। और अस्तर वाला ब्लाउज़ होता तो आप आधा या 1.25 इंच, जैसे कि आपकी लंबाई 5 इंच है तो आप 1.25 इंच या 5.5 इंच लेते तो भी चलता है। यानी कि आधा या 1.25 इंच आपके अपने सिलाई पर डिपेंड होता है कि वो कितना लेना है। जैसे आपका सिलाई में जितना जाता है उतना आपको एक्स्ट्रा लेना पड़ता है। तो ये बिना अस्तर वाला है तो हमने ये 1.5 इंच इसमें प्लस किया है। अब बाजू की चौड़ाई कैसे निकालते हैं, जैसे ये जो चौड़ाई है, जैसे बाजू लगाने पर किसी का वो कम जा बाजू जो है वो कम ज़्यादा हो जाती है, तो ये बाजू की चौड़ाई कैसे निकालते हैं। जैसे कि जब आप कटिंग करते हो, चेस्ट के हिसाब से आप अपनी कटिंग कर लेते हो। जैसे ये है 11 इंच, यानी कि 9.5 इंच इसका चेस्ट का 1/4 है, 9.5 इंच, 1.5 इंच हमने सिलाई मार्जिन के लिए प्लस किया है। तो ये 38 चेस्ट का ब्लाउज़ है, तो इसका ये बैक पार्ट है। बैक या फ्रंट का कोई भी लेके, ये जो आर्महोल, हम आर्महोल की गोलाई जब हम देते हैं तो गोलाई के बाद इसको हमें क्रॉस में नापना है। जैसे शोल्डर से यहाँ तक हमें ये क्रॉस में नापना है, तो ये आती है 8.25 इंच। यहाँ से यहाँ तक पहले आप नाप लो, तो ये आता है 8.25 इंच। तो उसमें क्या करना पड़ता है, आधा इंच हमें प्लस करना पड़ता है। जैसे आर्महोल को हमने क्रॉस में नापा है, उसको हमने उसमें हम आधा इंच प्लस करेंगे, यानी कि वो आया है 8.25 इंच, तो इसमें हम आधा इंच प्लस करेंगे यानी कि 9.25 इंच। तो ये निकलती है बाजू की चौड़ाई। एक्स्ट्रा जो कपड़ा है उसको हम कट कर लेते हैं। अब जो खुली साइड है यहाँ से हम 3 इंच पे मार्किंग करेंगे। 3 इंच पे एक मार्किंग किया है, उसके बाद हम 1 इंच पे सीधा एक लाइन लगाते हैं। 1 इंच पे लेंगे और यहाँ से भी हम 1 इंच लेंगे, यहाँ से भी हम सीधा लेते हैं। तो ये जो मार्किंग हमने दोनों किए हैं, तो यहाँ से हम इस तरह से इसको शेप देंगे। और अंदर के साइड का जो शेप है, जैसे ये फ्रंट साइड का शेप है, ये जो है ये बैक साइड का और ये जो है ये फ्रंट साइड का। अब बाजू की, जैसे कि बॉटम में जितनी आपकी चौड़ाई होगी, तो ये यहाँ पे 6 इंच आपकी चौड़ाई है, तो उसमें आपको 1.5 इंच सिलाई मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा लेना है, यानी कि 7.5 इंच। तो हम इसको तिरछा कट देते हैं, फिर अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये आई है हमारी फ्रंट साइड, ये है हमारी फ्रंट साइड और ये है हमारी बैक साइड। जैसे इस तरह से आर्महोल की, जैसे आर्महोल में क्रॉस में नाप के यहाँ पे बाजू की चौड़ाई निकालनी है, लेंथ जितनी है उसमें 1.5 इंच प्लस करना है। और यहाँ पे हमने गोलाई के लिए 3 इंच का, 3 इंच पे एक निशान लगा के ये दोनों शेप हमने दिए हैं। तो ये इस तरह से स्लीव्स की कटिंग बन जाती है।
ये कम और ज़्यादा बिल्कुल नहीं होगी, जैसे कि आप ब्लाउज़ के ऊपर लगाओगे तो ये कम ज़्यादा बिल्कुल नहीं होगी, जैसे इस हिसाब से आप लोगे तो एकदम परफेक्ट बैठेगी।